सरकार रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हो चुकी है। आज सीएम विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ 22 सीटर विशेष विमान से अयोध्या जा रहे हैं, जहां सीएम और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य प्रभु श्री राम के दरबार में शीश नवाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, जिसके बाद कई अलग अलग राज्यों के सीएम और कैबिनेट के सदस्य अयोध्या पहुंच चुके हैं, रामलला का दर्शन कर चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अयोध्या आज पहुंचने वाली है। रामलला के द्वार साय सरकार रामलला का दर्शन करेगी पूरी कैबिनेट। तो विशेष विमान से रवानगी हो चुकी है, उत्साह चरम पर है। आज शाम को हालांकि रायपुर वापसी भी हो जाएगी और सुबह हनुमान टेकरी श्री रामलला के दरबार में हाजिरी सीएम साय सहित पूरी कैबिनेट देने वाली है। तो कई भेंट छत्तीसगढ़ से आज भेजी भी जा रही है, श्री रामलला के चरणों में अर्पित भी की जाएगी। तो शबरी के बेर लेकर आप पहुंचेंगे भाचा राम, कहा जाता है श्री रामचंद्र जी को उनके दर्शन करने के लिए करी का लड्डू समेत कई ऐसे उपहार हैं जो आज उन्हें भेंट किए जाएंगे। बेर फल की टोकरी, जिससे शबरी से गहरा नाता रहा है श्री रामचरितमानस में, और यही वजह है कि बेर का जो फल है वो जरूर उनको अर्पित किया जाएगा। विष्णु भोग का चावल, सबसे ज्यादा खुशबूदार ये चावल होता है जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, वही अर्पित आज श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित होगा। कोसा का वस्त्र छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, और यही वजह कोसा का वस्त्र करी का लड्डू जो सेव एक तरह का होता है उससे बनाया जाता है, वो छत्तीसगढ़ में काफी पहचान रखता है। वो लड्डू उन्हें दिया जाएगा भोग स्वरूप। अनरसा सीताफल ये भी काफी फेमस जो चीजें हैं वो अर्पित की जाएंगी श्री रामचंद्र जी को। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीएम समेत सभी मंत्री रवाना हो चुके हैं। विशेष विमान की देखिए तस्वीरें सामने आई थी, पूरी कैबिनेट आज उत्साह से लबरेज है, खुशी की जो मुस्कान है आज वो छटा बिखरी हुई आज सुबह से ही दिख रही है। तो रामलला के दर्शन करेंगे, मंदिर का भ्रमण करेंगे, इसके बाद अयोध्या धाम एयरपोर्ट से रायपुर के लिए वापसी भी आज हो जाएगी। शाम 7:45 बजे के लगभग स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यानी रायपुर वापस लौट भी आएगी पूरी कैबिनेट। हालांकि कांग्रेस की भी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, कांग्रेस ने एक तरफ नौटंकी भी करार दे दिया था, जिस तरह से पूरी कैबिनेट आज अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिवरी नारायण में ही माता शबरी के जूठे बेर खाए थे, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। सरकार ने रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत की, जिसमें अलग अलग श्रद्धालुओं को बस और ट्रेन के माध्यम से रामलला के दर्शन भी करवाए जाते हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं ने जिस तरह से दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन अब साई कैबिनेट भी दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर चुकी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्या रवाना हो चुके हैं सीएम अब अयोध्या के लिए? अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो चुके। 22 सीटर विशेष विमान से मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने के बाद कुछ समय विश्राम करेंगे, इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये अवसर होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विशेष उपहार भी मुख्यमंत्री लेकर जा रहे हैं। कोसे का वस्त्र छत्तीसगढ़ के बुनकर तैयार करते हुए उस वस्त्र को लेकर जा रहे हैं। शिवरी नारायण के बेर, माता शबरी के जूठे बेर खिलाने का प्रसंग पूरे मानस में सबसे मार्मिक प्रसंगों में देखे तो माता शबरी के बेर जो है वो लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ सीताफल जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में मिलता है, छत्तीसगढ़ में बेहद प्रसिद्ध है, उस सीताफल को भगवान राम को अर्पित करेंगे। साथ ही साथ करी के लड्डू जो सेव और गुड़ से बनाया जाता है उसे भगवान राम को अर्पित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भांजे माने जाते हैं भगवान राम, और मुख्यमंत्री और कैबिनेट जब जा रही तो विशेष उपहार भी भगवान राम के लिए अपने भांजे के लिए जब भी कोई मामा मिलने जाता है तो लेकर जाता है। तो इसी तरह से जब पूरी कैबिनेट यहाँ से जा रही तो भगवान राम के चरणों में विशेष उपहार भी समर्पित करेंगे, तो एक बहुत अच्छा जो दृश्य है वो आज देखने मिलेगा, और यही वजह है कि सभी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल सभी उत्साहित नजर आए, और वो उत्साह भी हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से सब खुशी से लबरेज थे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए गौरव।